इन छंदों में किस प्रकार का ज्ञान है इस विषय में थोड़ा सा विवरण प्रथम मंत्र में है। उसमें कहा गया है कि गायत्रे गायत्रम, गायत्री छंद में गाय प्राणों की त्रम रक्षा करने का ज्ञान है। जो लोग गायत्री छंद वाले मंत्रों का उत्तम अध्ययन करेंगे वे प्राण रक्षा करने की विद्या उत्तम रीति से जान सकते हैं। त्रष्टुभात त्रिष्टुप छंद में त्रैष्टुर्भ तीनों का अर्थात प्रकृति जीवात्मा और परमात्मा का गुण वर्णन है। इस कारण जो लोग त्रिष्टुप छंदों वाले मंत्रों का उत्तम अध्ययन करेंगे उनको प्रकृति विद्या आत्म विद्या और ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो सकता है और वे प्रकृति विद्या से ऐहिक सुख और आत्म विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार यह वेद मंत्रों की विद्या यहीं पर लोक के सुख का साधन होती है। जगति जगत जगती छंद में जगत संबंधी अद्भुत ज्ञान भरा है। जो ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य इस जगत में विजय हो सकता है। इसीलिए इसी मंत्र में आगे कहा है कि जो ज्ञानी इस ज्ञान को इस वैदिक ज्ञान को यथावत जानते हैं वे अमृत को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उक्त प्रकार छंद विद्या को जानने वाले मोक्ष के अधिकारी हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल वे मोक्ष के ही अधिकारी हैं और इस जगत की उन्नति को वे नहीं प्राप्त कर सकते। प्रत्युत वे सात्विक उन्नति को कैसे प्राप्त होते हैं उसी प्रकार आत्मिक उन्नति को भी वे प्राप्त होते हैं। जो मोक्ष के अथवा अमृतत्व के अधिकारी होते हैं वे सामान्य भौतिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। यह कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राजा जनक भगवान श्री रामचंद्र आदि मुक्त पुरुष इस लोक का व्यवहार करने में भी उत्तम दक्ष थे और उन्होंने ऐहिक व्यवहार उत्तम तरह किए थे और ये तो अमृतत्व के अधिकारी थे। इस विषय में किसी को भी संदेह नहीं है। इस प्रकार इस वेद मंत्रों में ज्ञान को प्राप्त करने वाले मनुष्य यहीं परलोक में परमोच्च गति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य जो इस भूलोक में देह धारण करके आया है वह अमृतत्व प्राप्त करने के लिए ही आया है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि वेद का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए उन्नति का मार्ग बताने में समर्थ है। गायत्रेण अर्क प्रतिमिमिते गायत्री छंद में अर्चनीय देव की शब्द रूपी प्रतिमा निर्माण की है। प्रत्येक मनुष्य को जिस एक अद्वितीय देव की अर्चा करनी अत्यंत आवश्यक है उस देव की वस्तुतः प्रतिमा तो नहीं है परंतु उसकी शब्दमयी प्रतिमा गायत्री छंद है। इस कारण पाठक यदि किसी स्थान पर परमात्मा देव की प्रतिमा देख सकते हैं तो वे इस छंद में ही देख सकते हैं। अर्केण साम इस अर्चनीय अर्थात पूजनीय देव की सहायता से साम अर्थात शांति प्राप्त होती है। इस शांति का ही दूसरा नाम अमृत है। अमृत और साम एक ही अवस्था के शब्दवाचक हैं। अस्तु इस प्रकार त्रिष्टुप छंद से भी वर्णनीय देवता का वर्णन किया जाता है। त्रिष्टुप छंद की वाणी उसी का वर्णन करती है। पूर्व मंत्र में कहा है कि त्रिष्टुप छंद से प्रकृति जीव और परमात्मा का वर्णन होता है। वही बात यहाँ इस मंत्र में अनुसंधेय है। इस प्रकार सात छंद दो चरण और चार चरणों वाले जो सात छंद हैं उनके प्रत्येक चरण में अक्षर संख्या का परिणाम अक्षरों की संख्या की गिनती से करने से ही होता है। जैसे अनुष्टुभ में चरण में आठ अक्षर इसी प्रकार अन्य नए छंदों के पाद्यों में अन्य संख्या अक्षरों की होती है। इस प्रकार अक्षर संख्या की न्यून अधिकता से ये छंद होते हैं। गायत्रस्य त्रिस्य समिदः गायत्री छंद के तीन पाद हैं। प्रत्येक में अक्षर आठ होते हैं। जगती छंद से जगत का वर्णन है यह बात प्रथम मंत्र में कही है। वही फिर इस तृतीय मंत्र में दोहराते हैं और कहते हैं कि जगता देवी सिंधु असक भयात
जगती छंद से मानो धुलोक में महासागर को फैला रखा है, अर्थात जैसा महासागर का वर्णन होता है वैसा ही धुलोक का वर्णन किया गया है। इस महासागर में ये नक्षत्र छोटे छोटे द्वीपों के समान हैं। इत्यादि अलंकारिक वर्णन यहाँ समझना उचित है। इसी प्रकार रंथतरेण सूर्य पर्यपश्यत, रथंतर से सूर्य का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है क्योंकि उसमें यह वर्णन अति स्पष्ट है। इस ज्ञान की महामहित्वा महत्ता क्या कथन करनी है। यह ज्ञान तो मनुष्य को अंतिम मंजिल तक पहुंचा देता है। यह ज्ञान तो मनुष्य को इस जगत में और उस स्वर्ग में और अंत में मोक्ष तक उत्तम मार्गदर्शक होता है। अतः यही वेद मंत्रों का ज्ञान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सुहस्त गोरक्षक, जिस प्रकार सुहस्त सुदुघा धेनुन उप्रह, उत्तम हाथ वाला उत्तम दोहन करने योग्य धेनु को पुकारता है, उसी प्रकार मनुष्य इस वेदवाणी रूपी कामधेनु को अपने पास बुलावे। गाय का दुग्ध निचोड़ने वाला सहस्त अर्थात उत्तम प्रेम पूर्ण हाथ वाला होना चाहिए, दुरहस्त नहीं होना चाहिए। दुरहस्त मनुष्य वह है कि जो गौ को कष्ट पहुंचाता है। ऐसा दुरहस्त मनुष्य कभी गाय को अपने पास ना बुलावे, परंतु जो साथ सदा गाय की सेवा के लिए तत्पर रहता है, गाय का प्रिय करने में जो दक्ष है, वही मनुष्य गाय को बुलावे। गौ अवध्य होने से गाय के साथ किसी प्रकार भी दुरहस्त का संबंध नहीं आना चाहिए। सुहस्त होकर ही मनुष्य गाय के पास जावे। यह वेद का उपदेश स्पष्टता से कहता है कि गौ रक्षण करना मनुष्य का विदुक्त धर्म है। जो प्रेम से गौ पालन करता है वही सच्चा वैदिक धर्मी है, क्योंकि गौ नाम जैसा गाय का वाचक है वैसा ही वह वेद वाणी का भी वाचक है। अतः गौ रक्षक का अर्थ गाय की रक्षा और वेद ज्ञान की रक्षा है। इसीलिए कहा जाता है कि गौ रक्षक ही वैदिक धर्मी हो सकता है। गौधुक ऐना दोहत, गाय का दोहन करने वाला इस गौ का और इस वेदवाणी का दोहन करे। गौ का दोहन करने से अमृत रूपी दुग्ध प्राप्त होता है और वेदवाणी रूपी वा गौ का दोहन करने से अमृत जैसा ज्ञान प्राप्त होता है। गाय के दुग्ध से जैसा यज्ञ होता है वैसा ही वेद ज्ञान से भी होता है। यहाँ यज्ञ करने के दो साधन है, इसीलिए कहा है कि तत् धर्म सुप्रवाचत, यज्ञ का ही वे मंत्र वर्णन करते हैं। वेदवाणी रूपी गौ अपने ज्ञान से यज्ञ का मार्ग बता रही है और यह गौ अपने दुग्ध से यज्ञ करती है। इस प्रकार दोनों गौओं की समानता है। वसुनाम वसुपत्नी, यह गौ वेदवाणी और गौ माता वसुओं की पालनेहारी है। वसुनाम ऐश्वर्य का वाचक है। सब प्रकार के ऐश्वर्य ज्ञान से और बल से ही प्राप्त होते हैं। वेदवाणी रूपी गौ से ज्ञान मिलता है और गौ माता से पोषक अन्न मिलता है। इस प्रकार ये दोनों गौएं ऐश्वर्य को प्रदान करती हैं। जिस प्रकार यह गौ माता अपने बछड़े की इच्छा करती हुई घर में आती है, उसी प्रकार यह वेदवाणी भी इस भूमंडल पर इसीलिए अवतीर्ण हो गई है कि ये अनंत मानव जाति इस ज्ञानामृत का पान करे और अमर बने। इस प्रकार दोनों गौओं में अपने बछड़ों के पालन पोषण की इच्छा है। ये गौएं हमारा बड़ा सौभाग्य बढ़ावे, ये तो बढ़ाती ही है, परंतु मनुष्य को उचित है कि वे उन गौओं के पास जावें और उनका अमृत रस पीवे और पुष्ट होवे। ये गौएं तो हमारा कल्याण करने के लिए तैयार है, परंतु मनुष्य ही ऐसे मंदमती है कि वे गौ का दूध नहीं पीते और भैंस के पीछे लगते हैं। इसी प्रकार वेदवाणी की शरण नहीं लेते, प्रत्युत किसी अन्य मत वाले ग्रंथों की शरण में जाते हैं और भ्रम में फंसते हैं। अतः यहाँ उपदेश सब मनुष्यों को लेना चाहिए कि जो मनुष्य उन्नति चाहता है वह गौ का दूध पिए और वेद का उपदेश ग्रहण करे। गाय भी गौह मिशंतम वत्सम अमीमेत, अपने उत्सुक बछड़े पर ही प्रेम कर सकती है। यदि
प्रेम से बच्चा माता के पास ना गया अथवा कुछ पेट की अस्वस्थता से वह दुग्ध ना पीता रहा तो माता क्या करेगी। इसीलिए बच्चे में उत्सुकता चाहिए। जिस बच्चे का पेट ठीक है, भूख अच्छी लगती है और जिसकी पाचन शक्ति ठीक है, उसी बच्चे को माता पिता के दुग्ध से लाभ होता है। इसी प्रकार वेदवाणी रूपी गौ भी उत्सुक शिष्य को ही लाभ पहुंचा सकती है।